फ्रेंड्स, यू मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। आज हम इस वीडियो में जो एसएससी सीजीएल के 2023 के फॉर्म में जो क्वेरी आ रही है उस पर बात करेंगे। उसमें एक पोस्ट दी गई है जेएसओ और स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर्स और ग्रेड की, इसमें आपको यस या नो करना है। तो इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि आप एस कब कर सकते हैं। इसमें दिया गया है अगर जेएसओ की पोस्ट के लिए आपको यस करना है तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री में भी वो भी मैथ से होनी चाहिए, और 12th तक मतलब बैचलर डिग्री हो उसमें भी 60% मार्क्स हो, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री हो किसी स्टैटिक्स के साथ सब्जेक्ट के साथ। और नेक्स्ट, तो अगर आपके पास ये दोनों एलिजिबिलिटी हैं, इन दोनों में से कोई एक भी है, तो आप जेएसओ की पोस्ट के लिए एस कर देना। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आएगा कि आप EQ लिख के आएगा, उसमें पूछा जाएगा कि आप उसके पास एलिजिबल हैं कि नहीं। तो उसमें भी आप अगर पहला ऑप्शन नो होगा तो दूसरा भी नो हो जाएगा। नेक्स्ट, सेकेंड जो पोस्ट दी गई है वो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकेंड की दी गई। इसके लिए भी सेम चीज़ है, आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो भी स्टैटिक्स एज अ सब्जेक्ट। आपके पास बैचलर डिग्री में स्टैटिक्स ज़रूर होना चाहिए तभी आप इसके लिए यस करेंगे, वरना नो कर देंगे। अगर आप एक ऑप्शन में एस करेंगे तो दूसरे में भी अपने आप एस हो जाएगा, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।